सो हे गाइस, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीस। टॉप 3 क्यों, टॉप 5 क्यों नहीं, इसका काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास आप लोगों के लिए। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, उनको पता हो कि मैं अपने चैनल पे काफी सिलेक्टिव स्मार्टफोन्स के रिव्यूज करता हूं। उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि अभी हमारे पास जो है कोई ऐसा रिव्यू यूनिट नहीं आते हैं, ब्रांड हमें रिव्यू यूनिट नहीं भेजती है। जितने भी मोबाइल फोन्स के मैं रिव्यू करता हूं उनको मैं खुद परचेस करता हूं। माइक्रोमैक्स इंडिया की पहली ऐसी ब्रांड थी जिन्होंने हमें एक रिव्यू यूनिट भेजा था। उसके अलावा जितने भी स्मार्टफोन्स आपने इस चैनल पर देखे हैं रिव्यू होते हुए, वो सब मैंने परचेस किए हैं। उसके बाद उनको सोल्ड आउट करता हूं, देन फिर नए स्मार्टफोन्स परचेस करता हूं। कुछ इस तरीके से साइकिल चलता है। और सेकंड रीजन है, मैं सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन्स को परचेस करता हूं जो मुझे लगते हैं कि इंटरेस्टिंग है, यानी कि एक मेजर अपग्रेड है या फिर लोग जो है वीडियोस उसकी देखना चाहते हैं, लोग इंटरेस्टेड है परचेस करने में, मैं वही स्मार्टफोन परचेस करता हूं। तो यहां पे अंडर 20,000 रुपीज में मैंने 3 स्मार्टफोन जो है हाल फिलहाल में रिव्यू किए थे, और ये 3 स्मार्टफोन ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप अंडर 20,000 रुपीज में परचेस करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस अगर आप लोगों को आगे चल के वीडियो पसंद आती है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो नीचे लाइक का बटन है इसको प्रेस जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि ऐसी डिटेल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। सो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, यानी थर्ड नंबर से, और यहां पे मैं रखना चाहूंगा पोको X3 Pro। ये फोन जो है पोको X3 का सक्सेसर एक तरीके से है, और इसका प्राइस 19,000 रुपीज है। लेकिन 19,000 रुपीज के हिसाब से जो इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफी कमाल की है। यानी कि अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो, काफी बढ़िया जो है आपको गेमिंग मिले, अच्छी खासी FPS आपको मिले, तो अंडर 20,000 रुपीज में अभी के टाइम में पोको X3 Pro वन ऑफ द बेस्ट फोन है। लेकिन यूजुअली जो मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बोलता हूं कि कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही इस फोन में भी कुछ कमियां है। सबसे पहली जो कमी है, मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी है, वो है कैमरा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें है, और मुझे कैमरा परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं लगी है। बाकी पोको फोन को मैं ऑलरेडी फॉलो करता आ रहा हूं, मैंने पोको X2 भी यूज किया है, उसमें काफी फेनोमिनल जो है एक तरीके से फोटोग्राफी आप कर सकते थे, पोको X3 में भी बढ़िया था, लेकिन मुझे पोको X3 Pro का कैमरा अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर मिलता है, और ये प्रोसेसर जो है एक तरीके से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अंडर 20,000 रुपीज में अभी के टाइम पे जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, पोको X3 Pro इकलौता फोन है जो इस प्रोसेसर के साथ में आ रहा है, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है, लेकिन हाँ कैमरा इतना अच्छा नहीं है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, और इसमें आपको नॉच वगैरह मिल जाती है। डिस्प्ले भी जो है एकदम हाई, आप एक्सपेक्टेशन मत रखना अपनी कि आपको एमोलेड टाइप का मिलेगा या काफी डीप ब्लैक मिलेंगे, ऐसा नहीं है। डिस्प्ले में मेरे को एक प्रॉब्लम लगी है, वो है कि ऊपर जो नॉच है ना, वहां पर थोड़ा सा ब्लैक सा एरिया ज्यादा दिखता है, यानी कि स्क्रीन ब्लीडिंग वगैरह मैंने थोड़ी सी जो है मैंने फील की है। उसके अलावा इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो अभी बाकी स्मार्टफोन्स में मिल रहा है। ये जो है कोई नॉर्मल या फिर हल्का फोन नहीं है, भारी फोन है। पोको X3 से इसका वेट हल्का सा जो है थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है भारी है ये। वाइब्रेशन वगैरह इसमें पीछे होता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई मतलब नहीं है, यानी कि बल्कीनेस से या कैमरे से उनको सिर्फ गेमिंग चाहिए अंडर 20,000 रुपीज, तो उनके लिए पोको X3 Pro काफी कमाल का फोन है। अब सेकंड पोजीशन पे जिस फोन को मैंने रखा है वो है सैमसंग गैलेक्सी F62। भाई इसको रिव्यू करने के लिए मैं पहले काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है सैमसंग का ही एक्सिनोस 9825, और ये जो प्रोसेसर है ना इसके अंदर जो डला है वो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, यानी सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स जो महंगे फोन्स हैं उनमें जो है यूज कर चुका है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। प्लस 7000 mAh की बैटरी आपको मिलती है, जो बहुत ज्यादा होती है। इसका प्राइस हाल फिलहाल में 24,000 रुपीज है, लेकिन सेल में इसका प्राइस जो है 17-18,000 तक गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसको 20,000 रुपीज जो है अपनी लिस्ट में एड ऑन किया है, और कुछ दिनों में मेरे हिसाब से इसका प्राइस कट होकर जो है परमानेंटली 17-18,000 रुपीज तक आ जाएगा। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के फोन चाहिए, जिनको नॉन चाइनीज फोन चाहिए, तो ऐसे में सैमसंग F62 एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इस फोन की मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है वो है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगा है। एमोलेड डिस्प्ले, कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले इतनी अच्छी क्वालिटी का है सैमसंग का कि अंडर 20,000 रुपीज में कोई भी जो है आपको फोन में नहीं देखने को मिलेगा। आप इसमें चाहे कोई मूवीज देखना चाह रहे हो, कोई सीरीज देखना चाह रहे हो, या कुछ भी करना चाह रहे हो, आपको क्वालिटी जो है काफी कमाल की मिलने वाली है। तो ऐसे लोग जिनको डिस्प्ले से काफी ज्यादा मतलब है, तो आप जो है F62 को परचेस कर सकते हो। बैटरी लाइफ जैसे कि मैंने बताया 7000 mAh की बैटरी लाइफ है, लंबे टाइम तक जो है चल जाएगी। इसका कैमरा जो है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा है, 64 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है। इसके थ्रू जो मैंने इमेजेस ली हैं उनमें मुझे एक जो चीज देखने को मिली वो ये कि सैचुरेशन लेवल या कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है थोड़ा सा आपको इनहांस मिल जाता है। नेचुरल सी इमेजेस नहीं मिलेंगी, बट वो इमेजेस दिखने में काफी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब नहीं है एडिटिंग वगैरह करने से, उनको बस क्लिक
क्लिक करो और फोटोज अच्छी मिलनी चाहिए। तो ऐसे में F62 जो है कैमरा काफी अच्छा काम कर देगा। डिजाइन वाइज भी जो है मुझे ये फोन दिखने में काफी अच्छा लगा है। बस एक जो प्रॉब्लम मैंने अपने रिव्यू वीडियो में बताई थी वो ये कि बिल्ड क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं है। सैमसंग को अपनी बिल्ड क्वालिटी जो है अच्छी करनी चाहिए, स्पेशली बजट प्राइस रेंज में। बाकी ये फोन डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा काम करता है, अच्छे खासे जो है आप हाई टास्क इसमें कर सकते हो। गेमिंग अगर करना चाहते हो तो वो भी इसमें कर सकते हो। बट एक चीज नोटिस की है कि जो गेमिंग पोको X3 प्रो में हो रही है वैसी उम्मीद आप F62 में मत करना। सो अब बात करते हैं नंबर 1 फोन की, और इस पोजीशन पे जिस फोन को मैंने रखा है वो है Redmi Note 10 Pro। आई नो आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा ये फोन। अब इसको नंबर 1 रखने के कई सारे रीजंस हैं, और अंडर 20,000 रुपीज में मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एक ऐसा ऑलराउंडर फोन चाहिए ना जो ऑलमोस्ट हर चीज में जो है अच्छा हो, तो यहां पे Redmi Note 10 Pro एक काफी अच्छा फोन बन जाता है। वैसे इस फोन के ऊपर मैं डेडिकेटली काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, उसका फुल रिव्यू ऑलरेडी ला चुका हूं, इसका कैमरा रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड। आपको सारी वीडियोस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप Redmi Note 10 Pro लेना चाहते हो तो। सबसे अच्छी चीज जो मुझे एक तरीके से Xiaomi ने बहुत ही कमाल का इंप्रूवमेंट किया इस प्राइस रेंज में Redmi Note 10 Pro के साथ में, वो है स्क्रीन। इसमें आपको AMOLED स्क्रीन मिल रही है और प्लस हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट मैं मानता हूं पर्सनली, और बजट प्राइस रेंज में ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, इसका जो बड़ा भाई है यानी Redmi Note 10 Pro Max उसमें आपको थोड़ा सा बड़ा 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, लेकिन ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर ही मुझे काफी अच्छा लगा। इसके थ्रू मैंने कई सारी इमेजेस क्लिक किए हैं, क्वालिटी इमेजेस की मुझे काफी बढ़िया लगी है, चाहे वाइड एंगल हो या फिर नॉर्मल जो है कैमरा सेंसर हो, उन दोनों के थ्रू जो है मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है। स्टार्टिंग में जब ये फोन आया था मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई थी और बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम फेस हुई थी, वो था इसका UI यानी कि सॉफ्टवेयर जो है इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है Xiaomi ने MIUI 12.5 जो है लॉन्च कर दिया है, मेरे पास आ चुका है, स्टेबल अपडेट है। आई नो कई सारे लोगों के पास नहीं आया है, वेट कर लो थोड़े दिन बाद जो है रोल आउट हो जाएगा। तो ऐसे में उसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी बढ़ गई है। गेमिंग से रिलेटेड हो या नॉर्मल डे टू डे टास्क आप करना चाहते हो, आप इजीली अच्छे से जो है विदाउट लैग अभी जो है मैं कर पा रहा हूं Redmi Note 10 Pro में। अब गेमिंग की बात करें कि Redmi Note 10 Pro में आप गेमिंग कैसे कर पाओगे, तो देखो Samsung F62 हो गया या Poco X3 Pro हो गया, उनमें आप गेमिंग थोड़ी अच्छी कर सकते हो। Poco X3 Pro में आप काफी अच्छी कर सकते हो, Redmi Note 10 Pro में मैं बोलूंगा कि आप बैलेंस टाइप की गेमिंग कर सकते हो, यानी कि जब आप गेम खेलोगे, पबजी का एग्जांपल लेते हैं, तो गेम लैग नहीं होगा, चाहे आप COD खेल रहे हो पबजी खेल रहे हो, गेम इतना लैग नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल हाई FPS स्पीड भी नहीं मिलेगी। अब अगर प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस 16,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो अब जो है Amazon पे ये ओपन सेल में चला गया है, अब आपको ये इजीली मिल जाएगा Amazon पे। अभी मैंने जाके चेकआउट किया तो अभी तो अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज ये थे top 3 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना गाइज, और अभी आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।